नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्रीमद् भगवद गीता सातवां अध्याय चल रहा है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने ध्यान योग की शिक्षा प्राप्त की, या सीधे शब्दों में कहें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अच्छी तरीके से ध्यान योग समझा करके योगी होने को कहा। और फिर ये कहा कि योग में जब व्यक्ति मेरा ध्यान करता है तो वो सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, तो मेरा ध्यान क्यों करना है। इसके लिए उन्होंने साथ में ध्यान बताया कि परब्रह्म परमात्मा वही है। अब अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भूमि यानी पृथ्वी, आपो यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु, खम यानी आकाश, ये जो पंचमहाभूत है वो पंचमहाभूत मन बुद्धि और अहंकार, तीन तत्व ये। ऐसे पंचमहाभूत और छठा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां अहंकार। इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी आठ प्रकार की जो प्रकृति है वो अष्टधा प्रकृति भिन्ना, यही वो प्रकृति है जिसके विविध प्रकार के भेदों से ये संपूर्ण सृष्टि आपको दृष्टिगोचर होती है। विचार कीजिए कभी कि वही पंच महाभूत से बना हुआ आपका शरीर है, और उसी पंच महाभूत से बना हुआ शरीर कोई गोरा अंग्रेज रखता है, और उसी पंच महाभूत से बना हुआ शरीर एक हफ्सी अफ्रीकन भी रखता है। यही पंच महाभूत हैं जिनसे प्राणी के शरीरों की संरचना होती है, और यही पंच महाभूत हैं जो प्रकृति में विद्यमान है और जिसके कारण यह संपूर्ण सृष्टि आपको दृष्टिगोचर हो रही है। तो पंच महाभूत, छठा मन, सातवीं बुद्धि और आठवां अहंकार, इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये आठ स्वरूपों में विभाजित मेरी प्रकृति है। अप्रियम इतिस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। देखिए, ये तो अपरा प्रकृति है। अब अपने परा स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं अप्रियम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। मेरी परा बुद्धि को, जो इससे अलग है, उसको अच्छी तरीके से जानो। जीव भूताम महाबाहो ये दम धारिते जगत, ये संपूर्ण सृष्टि जो है जिसके द्वारा धारण की जाती है। देखिए, पंच महाभूत से शरीर की संरचना तो होती है, लेकिन इस शरीर में पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक उसमें आत्म तत्व नहीं है तब तक सब बेकार है। या जब तक आत्म तत्व है तभी तक ये पूरी सृष्टि और ये जो तत्व है वो काम करते हैं। तो ये एकदम धारिते जगत, तो वास्तव में जो इस शरीर को धारण करता है, ऐसे सभी शरीरधारियों को जो धारण करता है, वो आत्म तत्व जो है जीव भूताम महाबाहो, वो इन पंच महाभूतों के अंदर जीव रूप में रहता है, आत्मा रूप में विद्यमान रहता है। अपरा ये जो है पराम विद्धि, ये अलग प्रकार की प्रकृति है, ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है, ये वो तत्व है जो जड़ तत्वों को भी चंचल बना दिया करता है। यानी ये शरीर, जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक तो ये बड़ा हर तरीके से सुंदर है, सब बातें हैं इसके अंदर, लेकिन जैसे ही इसके अंदर से आत्मा बाहर निकलती है, ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए कहा है यही दम धारिते जगत, जिसके द्वारा ये पूरा संसार धारण किया जाता है, वो तत्व, वो जीव रूपी तत्व, वो आत्मा रूपी तत्व, वो चेतन तत्व, ये मेरी परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति क्या है? जो प्राकृतिक तत्व हैं पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, इनको अपनी अपरा प्रकृति कहा है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय
अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। देखिए पंच महाभूतों से आत्मा से सृष्टि की संरचना तो हो गई। आगे कहते हैं एतद् योनीनि भूतानि, ये जितनी भी योनियां हैं, कितनी 84 लाख योनियों का उल्लेख पाया जाता है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये सभी जितनी हैं वो सब मुझसे ही हैं। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तता, इस संपूर्ण सृष्टि का प्रभव यानी जन्म और प्रलय यानी उसके नाश का कारण बस मैं ही हूं। यानी ये संपूर्ण संसार जो पंच महाभूतों से प्राकृतिक तत्वों से बना है, आत्मा यानी चैतन्य तत्वों से जिसका संचालन हो रहा है, सब कुछ एतत् योनीनि भूतानि, ये सब मेरी ही योनियां हैं यानी मेरे द्वारा ही ये जन्मित हैं। सर्वाणि इति उपधारय, बस ये सब कुछ जितनी कुछ सृष्टि है ये मुझसे है, इसको अच्छी तरीके से जान लो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तता, ये जो कुछ भी तुम्हें दूर दूर तक या जिस किसी भी स्वरूप में ये विश्व दिखाई दे रहा है, मैं ही उसका जन्मदाता हूं और मैं ही उसका प्रलयकारी हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा ही चर्चित प्रश्न है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। अब साइंस जो हर चीज का जवाब देता है, उस साइंस को इसका भी जवाब देना चाहिए भैया कि मुर्गी का जन्म अगर अंडा में से हुआ तो अंडा कहां से आया। आप कहेंगे कि अंडा तो मुर्गी ही देगी, तो फिर मुर्गी कहां से आई, तो मुर्गी तो अंडा से ही पैदा होगी, तो पहले अंडा या पहले मुर्गी। एक अभी बड़ी ही कुछ दिन पहले की घटना है, मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था और उनके बीच में कुछ विद्यार्थी जो साइंस को बड़ा मानने वाले होते हैं, या जो आजकल तो बहुत सारे गुरु हैं ना व्हाट्सएप और फेसबुक पे, बहुत सारे ऐसी मटेरियल उनको मिलता रहता है कि जिसको अगर वो देखते हैं तो उनके मन में कुछ तो सरवराहट होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन में विचार उत्पन्न करती हैं, और उन विचारों के आधार पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार करने से गुरेज मानते हैं। उनको ये लगता है ईश्वरीय सत्ता तो कुछ है ही नहीं, उसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं है जो कुछ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग स्वभाव से खराब होते हैं या ऐसे लोग नहीं, वो दूसरों का भला करने में सबसे आगे होंगे, वो दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर परमात्मा को मानने का नंबर है तो कहेंगे कि ऐसी तो कोई चीज हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ करती है। तो ऐसे ही एक चर्चा में विद्यार्थियों से मैंने पूछा कि भैया जब आप ये कहते हो कि ऐसा कोई तत्व हो ही नहीं सकता है या नहीं है, या है तो हमें उसका कोई परिचय नहीं है, तो मैंने कहा कि आप मानते हैं ये सृष्टि किसने बनाई आपको पता है, क्योंकि पुराण कहते हैं सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वंतराणि च। जब आप पुराणों की बात करते हैं कि सभी कपोल कल्पित हैं, तो उनमें जिन बातों की चर्चा की गई है उसमें सृष्टि भी एक प्रक्रिया है। और सृष्टि की प्रक्रिया में एक सामान्य सा प्रश्न पूछता हूँ, और मैंने उनसे ये कहा कि आप ये बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ। तो एक बोला कि पहले मुर्गी हुई, तो मैं कहा भैया कहाँ से आई, तो बोले अंडे में से आई, तो मैं कहा अंडा कहाँ से आया। अब तो प्रश्न जो है अब समझ में आया, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं ना, सामान्य प्रश्न उनकी समझ में जल्दी नहीं आते हैं। तो उनमें से एक विद्यार्थी बोला कि साहब हमारे यहाँ कुरान में ऐसी बात है, बाइबल में भी इस प्रकार की कथा मिलती है, और इस प्रकार की कथा तो पुराणों में भी मिलती है। मैं कहा ये तो कथा कभी मैंने ही आपको सुनाई थी कि इस प्रकार की कथा है कि सबसे पहले आदम और हव्वा थे, वही सृष्टि के पहले प्राणी थे और उन्हीं से पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। आदम की संतान को आदमी कहा गया और मनु की संतान को मनुष्य कहा गया, इसी प्रकार से।
लेकिन मैं कहा इससे मेरे सवाल का जवाब कहाँ मिला। तो बोले आपके सवाल का जवाब यही है कि उसी परमात्मा ने इसकी संरचना की। तो मैं कहा वही तो मैं कह रहा हूं कि आप उस परमात्मा तत्व को जब मानोगे ना, तभी आपको ये मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। तो जीवन में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो बात कही आपको भी याद रखनी है, और वो बात ये है कि ये जो भी सृष्टि है उसका जन्मदाता भी ईश्वर है और उसका प्रलय करने वाला भी ईश्वर है। आप तो बीच में रास्ते के राहगीर हैं, और आप तो उस रास्ते पे सिर्फ एक खिलौनों की तरह चलते चले जा रहे हैं। आपको बेकार में इस प्रकार का वहम हो जाता है कि जो कुछ होता है वो मैं करता हूं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जितनी भी सृष्टि है संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे हटके, मुझसे परे, मुझसे अलग, मत्तः परतरम ना किंचिद् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, कुछ भी नहीं है। छोटी सी छोटी चींटी ले लीजिए, या बड़े से बड़ा हाथी या डायनासोर ले लीजिए, आत्मा और पंच महाभूत इन्हीं की संरचना वो है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे अलग, मुझसे हटके, मुझसे परे ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, इस संसार में कुछ भी नहीं है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे किसी सूत्र में जो माला होती है ना, बहुत सारी मणियाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पिरोई जाती हैं, और सारी मणियाँ जब एकत्रित होती हैं तो एक माला बन जाती है। ऐसे ही पूरा सृष्टि चक्र जो आप देख रहे हैं, 84 लाख योनियाँ जो कही जाती हैं, जितने या तत्व, जितने भी पदार्थ, जितनी भी प्राणियों की सृष्टि, आप जो कुछ यहाँ देख रहे हैं, मई सर्वमिदम प्रोतम, ये सब कुछ मेरा ही है। आपको एक मणियों को एक माला बना दी गई हो, जिस प्रकार से वो मणियों की माला आपको दिखाई देती है, ये संसार आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है। सारी योनियां आपको इसी तरीके से दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से पूरी सृष्टि और पूरी संरचना आपको दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में ये जो कुछ है बस मुझसे है और मुझ में है। रसो अहम अप्सु कौनते प्रभास्मि शशि सूर्य। अब अपने स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि जल में जो रस है ना, जो रस तत्व है जल में, वो मैं सूर्य में और चंद्रमा में जो प्रभा है, जो प्रकाश है, जो तेज पुंज है, वो मैं। प्रणव सर्ववेदेशु, सभी वेदों में प्रणव ओंकार स्वरूप में हूं। शब्द अखे पौरुषंद्रसु, और आकाश जो विशाल है उसमें जो शब्द तत्व है वो मैं हूं। पौरुषम दृशु, और जो मनुष्य लोग हैं उनमें जो पुरुषत्व है, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी ताकत है, वो मैं हूं। पुण्यो गंधा पृथ्व्या, जो पृथ्वी है उसकी गंध में हूं। तेजस चास्मि विभावसु, और जो विभावसु हैं उनका तेज भी मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, और सभी प्राणियों का जीवन में हूँ और तपस्वियों की तपस्या भी मैं हूँ। यानी आप किसी भी रूप में इस संसार में किसी भी चीज को, किसी भी तत्व को, प्रकृति या विकृति को, जिसको भी आप देखते हैं, वो मुझसे है। क्योंकि सूर्य चंद्र में रहने वाला तेज में हूँ, पृथ्वी में रहने वाली गंध में हूँ, तपस्वियों की तपस्या में हूँ, और सभी भूतों में जो जीवन दृष्टिगोचर होता है वो जीवन प्राण तत्व भी मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी तत्व हैं, मैंने कहा चींटी से लेकर डायनासोर और हाथी, इन सब तक जितने भी तत्व हैं, सर्वभूतानां बीजम माम, उन सबका बीज तत्व में। देखिए आपके प्रश्न का जवाब मिल गया कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, उसका जो बीज तत्व है, जब वो परमात्मा है, तो फिर तो कहां प्रश्न रह जाता है कि पहले क्या।
बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि में हूँ, तेजस तेजस्वी नामामो, तेजस्वी लोगों में जो तेज है, जो उनका बल है, पौरुष है, शक्ति है, बुद्धि है, वो मैं ही तो हूँ। बलम बलवताम चाहम, बलवान लोगों का बल मैं हूँ। लेकिन ईश्वर कब किसी की शक्ति है? काम राग विवर्जितम, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। देखिए आप बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ईश्वर कहता है कि वहाँ मेरी उपस्थिति नहीं है। लेकिन अगर आप किसी की मदद के लिए उसी शक्ति का प्रयोग करते हैं जहाँ आपका अपना स्वार्थ ना हो, काम राग विवर्जितम बलवताम बलम अहम, बलवान लोगों में ऐसा बल मैं हूं। धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म विरुद्ध नहीं है सभी प्राणियों में, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, वो काम भी मैं हूं। देखिए वैलेंटाइन डे पे इससे सुंदर बात कोई हो नहीं सकती है। कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में, ये स्त्री पुरुष शब्द कहेंगे तो यह मनुष्य जाति आ जाएगी, नर और मादा के बीच में जो संबंध होता है, वो संबंध अगर वो धर्म विरुद्ध नहीं है, अगर वो नीति विरुद्ध नहीं है, अगर वो सामाजिक रूप से विरोधी नहीं है, तो मैं हूं, तो वो काम भी मैं हूं। हमारे यहां तो समाज में काम की चर्चा करने से पहले लोग भाग जाते हैं, और किसी को चर्चा करने का नंबर आ जाए तो उसको ये लगता है कि ओहो मैं तो बड़ा ही बोल्ड हूँ जो मैं इन सब चीज़ों की बात कर पाता हूँ, वो खुद को ऐसा समझता है। अरे भैया, धर्मों विरुद्ध भूतेषु, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध यानी धर्म संगत जो भी काम कराए हैं, जो भी काम क्रियाएं हैं, वो मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा, जो सात्विक भाव हैं, राजसाह तामसा से, जो राजसी और तामसी भाव हैं, मत एवेदितान विद्धि न त्वहं तेषु ते मे, मत एवेदितान विद्धि, वो सब मुझसे ही उत्पन्न है। सात्विक भाव, राजसी भाव, तामसी भाव, जितने प्रकार के भाव हैं वो सब भाव मुझ में से उत्पन्न हैं, न त्वहं तेषु ते मे। लेकिन हे अर्जुन, वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वो नहीं है। न तू अहम तेषु, न मैं उनमें हूं, ते मई न, और ना ही वो मुझ में है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ विवेचन है, या ये बड़ी ही सुंदर बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। पिता संतान में खुद को देखता है, उसके जितने अरमान जीवन में बाकी रह गए वो सब संतान के माध्यम से पूर्ण करना चाहता है। अगर वो कम पढ़ा लिखा तो सोचता है उसकी संतान और पढ़े, खूब ज्यादा पढ़े। अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो सोचता है कि मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मेरी संतान इतनी पढ़ तो जाएगी, लेकिन मैं जितना सफल हुआ उससे भी ज्यादा उसको सफल होना चाहिए। यानी हर मामले में पिता ये चाहता है कि पुत्र उसका स्वरूप है और वो उससे आगे निकले, इसीलिए पुत्रा शिष्यात् पराजय में छेद ये पंक्ति लिखी गई है। तो आप इस चीज को समझिए, यहां श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, न तु अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। मैंने सृष्टि की संरचना तो कर दी लेकिन मैं उससे निर्लिप्त हूं, मुझे उसके बंधन बंधनकर्ता नहीं होते। आगे अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्रीमद् भगवद्गीता के वीडियो चल रहे हैं, आनंद लीजिए। धन्यवाद।